इंडियन आर्मी इंडियन आर्म फोर्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें सारे डिफेंस फोर्सेस के लगभग 80% जवान हैं। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं, यानी 12 लाख सैनिक हैं और 10 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक हैं। आप में से कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि 10 लाख सैनिकों की इतनी बड़ी आर्मी कैसे काम करती होगी। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में। स्ट्रक्चर समझने के लिए हम पहले इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी की रैंक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। कमीशनड ऑफिसर्स, जो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS IPS के बराबर होते हैं, और ग्रुप ए सर्विसेज ऑफिसर होते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जो ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर्स के बराबर होते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आती हैं बाकी बची रैंक्स जैसे नॉन कमीशन ऑफिसर्स और सोल्जर्स। अब हायरार्की वाइज सबसे लोएस्ट से शुरू करके वन बाय वन सारी रैंक्स और उनके इंसिग्निया को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आता है सिपॉय, जिसे हम सिपाही, जवान या सोल्जर भी कहते हैं। इनकी पहचान होती है प्लेन सोल्जर बैज से, मतलब इनके शोल्डर पे कोई भी किसी टाइप की पट्टी या स्टार नहीं होता। इसके बाद फिर नॉन कमीशन ऑफिसर्स में आते हैं लैंस नायक, जिनकी पहचान होती है शोल्डर पे इस टाइप की एक फित्ती से। नेक्स्ट नायक, जिनकी पहचान होती है शोल्डर पे सेम टाइप की दो फित्तियों से। सिमिलरली नेक्स्ट रैंक हवलदार, जिनके शोल्डर पे हमें सेम टाइप की 3 फित्तियां देखने को मिलती हैं। फिर आती है नेक्स्ट कैटेगरी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स कैटेगरी में आने वाली सारी रैंक्स की एक पहचान होती है कि उनके शोल्डर्स पे आपको एक ऐसी फ्लैट स्ट्राइप देखने को मिलेगी। इस कैटेगरी में आते हैं नायब सूबेदार, जिनके इंसिग्निया में हमें शोल्डर्स पे स्ट्राइप के साथ एक 5-pointer स्टार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सूबेदार, जिनके इंसिग्निया की पहचान है सेम टाइप की स्ट्राइप के साथ 2 5-pointed स्टार्स। और नेक्स्ट सूबेदार मेजर, इनके इंसिग्निया में थोड़ा सा चेंज होता है। इनके शोल्डर पे आपको सिमिलर टाइप की स्ट्राइप के साथ नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा। फिर आते हैं कमीशनड ऑफिसर्स, जिनमें आते हैं लेफ्टिनेंट, इसे अब लेफ्टिनेंट भी प्रोनाउंस किया जाता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश में इसे एज लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस किया जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में लेफ्टिनेंट, इसलिए सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इसे एज लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस किया जाता है। एंड फॉर द सेम रीजन इंडिया में भी लेफ्टिनेंट ही बोला जाता है। लेफ्टिनेंट को एज YO यंग ऑफिसर्स भी कहा जाता है, बिकॉज NDA और CDS से एग्जाम क्लियर करके IMA और OTA में ट्रेनिंग लेने के बाद कैडेट्स को फर्स्ट रैंक एज लेफ्टिनेंट ही मिलती है। इनकी यूनिफॉर्म पे हमें शोल्डर्स पे 2 5-pointed स्टार्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट रैंक है कैप्टन, इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे 3 स्टार्स लगे होते हैं। ये मिनिमम 2 years ऑफ सर्विस एज लेफ्टिनेंट करने के बाद ऑफिसर्स कैप्टन बनते हैं। नेक्स्ट रैंक है मेजर, इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे अशोक एम्बलम लगा होता है। मिनिमम 6 years की सर्विस एज कमीशनड ऑफिसर और पार्ट बी एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑफिसर्स मेजर बनते हैं। नेक्स्ट रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल, इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे नेशन एम्बलम के साथ 1 star होता है। मिनिमम 13 years सर्विस एज कमीशन ऑफिसर और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। 2011 में इंडिया की क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के बाद फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी को भी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल की ही रैंक दी गई थी। अभी तक जो हमने रैंक्स की बात की वो सब टाइम स्केल रैंक्स हैं, यानी ऑफिसर्स फिक्स टाइम के बाद हायर पोस्ट पे प्रमोट किए ही किए जाते हैं, गिवन कि उन्होंने पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर किए हैं जिन रैंक्स में रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद जो हायर रैंक्स आती हैं वो सिलेक्शन ग्रेड में आती हैं, यानी इन पोस्ट पे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करके प्रमोट किया जाता है। ये सिलेक्शन मेरिट और ACR के बेस पे होता है। इन रैंक्स की पहचान होती है कि आपको इनकी यूनिफॉर्म में कॉलर्स पे ऐसे क्रिम्सन पैचेस देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन ग्रेड में रैंक आती है सबसे पहले कर्नल, जिनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम और 2 star होते हैं, और कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस विद गोल्डन ब्रेड्स। इस रैंक के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑफिसर्स को मिनिमम 15 years ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर कंप्लीट करनी पड़ती है। सिलेक्शन के थ्रू प्रमोट हुए ऑफिसर्स को बटालियन से यूनिट्स का कमांडर बनाया जाता है, इसे हम CO या कमांडिंग ऑफिसर्स भी कहते हैं। जो ऑफिसर्स किसी वजह से सिलेक्शन के थ्रू प्रमोट नहीं हो पाते, 26 years ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर के बाद उन्हें भी टाइम स्केल के थ्रू एज कर्नल प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें एक बटालियन या यूनिट को कमांड करने का मौका नहीं मिल पाता। नेक्स्ट रैंक है ब्रिगेडियर, इनकी यूनिफॉर्म पे नेशनल एम्बलम के साथ 3 stars ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में लगे होते हैं। ये एक 1 star रैंक होती है, इसलिए यूनिफॉर्म के कॉलर पे क्रिम्सन पैचेस के साथ
एक गोल्डन स्टार लगाया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ब्रिगेडियर रैंक के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑफिसर्स को मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर कंप्लीट करनी पड़ती है। नेक्स्ट रैंक है मेजर जनरल। इनकी यूनिफॉर्म में कॉलर्स पे 2 क्रॉस्ड बैटन एंड सेबरे यानी डंडी और तलवार होती है और उसके ऊपर एक स्टार होता है और दोनों के ऊपर एक पतली सी रेड आउटलाइन भी होती है। मेजर जनरल एक 2-स्टार रैंक है, इसलिए यूनिफॉर्म में कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ 2 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू मेजर जनरल रैंक के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑफिसर्स को मिनिमम 28 ईयर ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर कंप्लीट करनी पड़ती है। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल। इनकी यूनिफॉर्म में एक चेंज आता है कि शोल्डर्स पे सेम क्रॉस बैटन और सेबरे के ऊपर स्टार की जगह नेशनल एम्बलम आ जाता है और कॉलर्स पे 3 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑफिसर्स को मिनिमम 36 ईयर्स ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर कंप्लीट करनी पड़ती है। एंड लास्ट है जनरल। ये इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची रैंक होती है। इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड, उसके ऊपर नेशनल एम्बलम स्टार लगे होते हैं। इन सभी पे एक पतली रेड कलर की लाइनिंग होती है और कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ 4 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। ये रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दी जाती है और ये पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के इक्वल होती है, जो आईएएस की हाईएस्ट पोस्ट है। इन सभी ऑफिसर्स की एक और पहचान होती है कि इनकी ऑफिशियल गाड़ी को देखकर आप इनकी रैंक का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जितने स्टार ऑफिसर्स होते हैं उतने ही स्टार उनकी गाड़ी पे भी लगे होते हैं। इन सब के अलावा एक और रैंक होती है जिसे कहते हैं फील्ड मार्शल। ये एक ऑनररी पोस्ट है। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे क्रॉस्ड बैटन और स्वॉर्ड फूल माला के साथ लगी होती हैं और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम लगा होता है। इनके कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ 5 गोल्डन स्टार्स लगे होते हैं। ये पोस्ट उन ऑफिसर्स को दी जाती है जिन्होंने अपनी सर्विस में कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया हो। अभी तक ये पोस्ट सिर्फ 2 ऑफिसर्स को ही दी गई है। फर्स्ट सैम मेनेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1971 में इंडो पाक वॉर में इनके लीडरशिप के अंडर इंडियन आर्मी को मिली जीत की वजह से 1973 में फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। इनके ऊपर आपने सुना होगा कि एक फिल्म भी बनने जा रही है। सेकंड केएम करियप्पा, इन्हें 1947 में कश्मीर में हुए इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में अपने एक्सेप्शनल वर्क की वजह से 1986 में फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आई एम श्योर अब आप कभी भी आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म को देखकर तुरंत उनकी रैंक का अंदाज़ा लगा पाएंगे। रैंक्स के बाद बात करते हैं इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर की। अगर हम ब्रॉडर व्यू में देखें, स्ट्रक्चरली द इंडियन आर्मी में 7 कमांड्स हैं। ये कमांड्स एरिया के अकॉर्डिंग हैं, जो इंडिया के सारे एरियाज को कवर करती हैं। उसके बाद कमांड्स डिवाइड होती हैं कॉर्प्स में। कॉर्प्स में आते हैं कई सारे डिविजन्स और फिर आती हैं ब्रिगेड, और एक ब्रिगेड में आती है कई सारी बटालियन, और हर बटालियन में कई सारी कंपनीज होती हैं, और हर कंपनी में प्लाटून्स होती हैं, और प्लाटून्स बनती हैं सैनिकों की सबसे छोटी टुकड़ी यानी सेक्शन से। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर हायरार्की वाइज। अब थोड़ा डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर्स। द आर्मी हेडक्वार्टर्स के हेड होते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी जनरल। आर्मी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हैं MM नरवाने। फिर आर्मी कमांड। स्ट्रक्चरली द इंडियन आर्मी में 7 कमांड्स हैं, जिनमें से 6 एरिया स्पेसिफिक ऑपरेशनल कमांड हैं और 1 है ट्रेनिंग कमांड। हर एक कमांड को एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हेड करते हैं, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। सभी ऑपरेशनल कमांड्स एरिया स्पेसिफिक होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है अपने अपने एरिया को कंट्रोल करना। ये इंडियन आर्मी ऑपरेशनल कमांड्स एंड हेडक्वार्टर्स की पूरी लिस्ट है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में लोकेटेड है। पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, फिर 1993 में इसे शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। ये सारी कमांड्स डायरेक्टली आर्मी हेडक्वार्टर के अंडर आती हैं। आर्मी कॉप्स। एक आर्मी कॉप का कमांडर होता है एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो होता है एक लेफ्टिनेंट जनरल विद 3-स्टार मिलिट्री रैंक। आमतौर पर एक आर्मी कॉप्स में 3 से 4 डिवीजन होते हैं। नेक्स्ट डिवीजन। एक डिवीजन का हेड होता है GOC, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जिनकी रैंक होती है मेजर जनरल। इसे ऑफिसर डिवीजन कमांडर भी कहा जाता है। आमतौर पर एक डिवीजन में 3 से 4 ब्रिगेड्स आती हैं। एट प्रेजेंट इंडियन आर्मी के पास टोटल 37 डिवीजन्स हैं, जिनमें आती हैं कई सारी रैपिड रीऑर्गेनाइज आर्मी प्लेन इन्फेंट्री डिवीजन्स, एक्शन डिवीजन्स, इन्फेंट्री डिवीजन्स, माउंटेन डिवीजन्स, आर्मर डिवीजन्स एंड आर्टिलरी डिवीजन्स एटसेट्रा। अगला है ब्रिगेड। एक ब्रिगेड में 3 बटालियंस और 7 में सपोर्ट एलिमेंट्स होते हैं। एक ब्रिगेड का कमांडर होता है एक ब्रिगेडियर।
रेगुलर ब्रिगेड्स के साथ साथ आर्मी के पास दूसरे इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स भी हो सकते हैं, जैसे आर्मर्ड ब्रिगेड्स, आर्टिलरी ब्रिगेड्स, इन्फेंट्री ब्रिगेड्स, पैराशूट ब्रिगेड, एयर डिफेंस ब्रिगेड एंड इंजीनियर ब्रिगेड एट्सेट्रा। नेक्स्ट है बटालियन। एक बटालियन को रेजिमेंट भी कहा जाता है। एक बटालियन रेजिमेंट का कमांडर होता है एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रैंक का। आमतौर पर एक बटालियन या रेजिमेंट में तीन कंपनीज होती हैं और एक बटालियन इन्फेंट्री की मेन फाइटिंग यूनिट होती है। अगला है राइफल कंपनी। एक राइफल कंपनी का कमांडर एक ल्यूटिनेंट और मेजर रैंक का ऑफिसर होता है। एक राइफल कंपनी में तीन प्लाटून्स होती हैं और टोटल उसमें करीब 120 सैनिक होते हैं। नेक्स्ट प्लाटून। एक प्लाटून का कमांडर होता है प्लाटून कमांडर, जो एक जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO होता है। आमतौर पर एक प्लाटून में टोटल 32 सैनिक होते हैं। लास्ट है सेक्शन। ये इंडियन आर्मी की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसमें 10 सैनिक होते हैं। एक सेक्शन का कमांडर होता है एक नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार रैंक का। तो ये था इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर। इस वीडियो को समराइज करें तो पहले हमने देखा कि आर्मी में कितने कैटेगरीज की रैंक होती हैं, फिर हायरार्की वाइज सारी रैंक्स की यूनिफॉर्म्स के बारे में समझा। आप अब डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि अगर किसी ऑफिसर के शोल्डर पे फ्लैट स्ट्राइप है तो वो जूनियर कमीशन ऑफिसर है। अगर किसी ऑफिसर के कॉलर पे क्रिम्सन पैच है तो एक सिलेक्शन ग्रेड कमीशन ऑफिसर है। इन सभी पहचानों से ऑफिसर की कैटेगरीज को याद रखना आसान हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने हायरार्कियल स्ट्रक्चर को टॉप से बॉटम तक समझा। मुझे यकीन है कि इस तरीके से समझने के बाद आपको आसानी से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इंडियन आर्मी के बारे में ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, जल्दी अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पुलिस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपने बेसिक ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए।